अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर वकार एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर वकार्स मेडिकल कॉर्नर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट का क्या बना है, कितने पे कितने स्टूडेंट्स आए हैं और मेरिट कहाँ तक गया है और आने वाला मेरिट फोर्थ मेरिट लिस्ट में कहाँ तक जा सकता है और क्या कंडीशंस होंगी। अगर आपका इन चीज़ों से कंसर्न है तो आप देख लें और आप ग्रेडेशन कितने स्टूडेंट्स की हुई है और आने वाले वक्त में कितने स्टूडेंट्स आप ग्रेडेशन से जाएंगे, कितनी लिस्टें लगने वाली हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियोस के अंदर मिलेंगे। अब जो हमारे पास शरीफ मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 100 सीट्स थी, उसके बाद जिसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे ना वो 93 स्टूडेंट्स हमारे पास अभी मतलब इनके एडमिशन्स हो चुके हुए हैं और वेटिंग से एक भी नहीं आया। अपग्रेडेशन 7 स्टूडेंट्स की हुई हैं और क्लोजिंग मेरिट जो इसका रैंकिंग वो 1401 और 96.3409% पे इसका क्लोजिंग मेरिट रहा है। सॉरी ये ना कुछ चीज़ें कुछ वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि ये मैंने एडिट नहीं किया और ये एक मेरा पीए है उसने एडिट किया हुआ है। उसके बाद अल अलीम मेडिकल कॉलेज और इसकी जो सीट्स हैं वो 197 सीट्स पे लोग जो ओपन सीट्स हैं वो इतनी है। उसके बाद जो हमारे पास सिलेक्शन जो स्टूडेंट ने स्टे किया वो 88 है, वेटिंग में एक है। उसके बाद अपग्रेडेशन 8 लोगों की हुई है और जिसके अंदर 83.8500% पे मेरिट क्लोज हो गया। ये टॉप नंबर मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास FMH मेडिकल कॉलेज है तो 150 सीट्स हैं, ओपन सीट्स 147 हैं जिसके अंदर 139 स्टूडेंट ने स्टे किया, वेटिंग ज़ीरो है, अपग्रेडेशन होके 8 स्टूडेंट आए हैं और जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो 2831 रहा है, 82.6136 पे इसका मेरिट क्लोज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास शालीमार मेडिकल कॉलेज आ जाता है जिसके पास जिसकी टोटल सीट्स 150 थी, इसके जो ओपन सीट्स थी हमारे पास वो भी 150 थी। उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वो 151 हुए और इसके वेटिंग जो थे वो 0 स्टूडेंट्स है और 99 स्टूडेंट जो सिंपली 9 स्टूडेंट अपग्रेड होके आए हैं और इसका क्लोजिंग रैंक रहा 3259 और जो इसका मेरिट रहा है वो 81.5818% पे इसका मेरिट क्लोज हो चुका है। और अब हम रैबर मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। इसके पास 100 सीट थी और 100 ही इसके पास ओपन सीट्स थी, ओपन मेरिट सीट्स थी। इसके अंदर 91 स्टूडेंट ने स्टे किया, वन स्टूडेंट वेटिंग पे और 8 स्टूडेंट अपग्रेड होके इस कॉलेज में आया। 39.3921 पे इसका क्लोजिंग रैंक रहा है और जो क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है वो 80.0273 पे इसका क्लोजिंग मेरिट था। उसके बाद हमारे पास रैबर हो चुका है। उसके बाद लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इसके 150 सीटें, 147 सीटें ओपन थी जिसके अंदर 150 स्टूडेंट ने स्टे किया स्टूडेंट में और इसके पास वेटिंग लिस्ट में 0 है और 22 स्टूडेंट अपग्रेड होके आए हैं और 3998 स्टूडेंट्स ने इसका क्लोजिंग रैंक रहा है और 79.8519 पे इसका मेरिट क्लोज हो गया है। उसके बाद इस मेडिकल कॉलेज के हमारे पास 100 सीट्स थी और 98 ओपन मेरिट सीट्स थी जिसके अंदर 79 स्टूडेंट ने स्टे किया, 2 स्टूडेंट वेटिंग पे थे और 17 स्टूडेंट अपग्रेड होके आए और इसका क्लोजिंग मेरिट यहीं पे रहा 4675 और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है 78.2273। उसके बाद मेरा अक्सर से मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं। 150 स्टूडेंट टोटल सीट थी जिसके अंदर ओपन मेरिट 147 थी और 23 स्टूडेंट ने स्टे किया, 0 की वेटिंग और 24 अपग्रेड होके आए जिससे इसमें इसका रैंकिंग क्लोज होता है 4692 पे और 78.2591 पे इसका मेरिट क्लोज हो गया है। अक्सर से मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी 100 सीट्स एंड 99 ओपन सीट्स और 56 स्टूडेंट ने स्टे किया, 8 स्टूडेंट वेटिंग से आए हैं और 37 स्टूडेंट जो है वो लोग 37 स्टूडेंट अपग्रेड हो गए हैं और इसके साथ इसका मेरिट रहा है 7.90
4845। और इसी के साथ हमारे पास सियालकोट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट जिन्होंने स्टे किया है वो 94 है, एक वेटिंग से आया है और 5 स्टूडेंट जो अपग्रेड हो गया है, और 58.15 75.7727 पे इसका मेरिट क्लोज हो गया है। एज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज इसमें 150 है, 150 ओपन है और 142 स्टूडेंट्स ने स्टे किया, इसकी वेटिंग पे 0 है और 8 स्टूडेंट इससे अपग्रेड होके आए हैं 59.13 से। यहाँ पे इसका क्लोजिंग रैंक था और मेरिट इसका क्लोजिंग है 75.5682 पे इसका मेरिट क्लोज हो गया है। आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड द इसका 150 और 140 ओपन सीट्स हैं, 120 ने स्टे किया है, 0 इसके वेटिंग से हैं, 39 अपग्रेड हो गया है 61.47 पे, यहाँ पे इसका रैंकिंग क्लोज हो गया, मेरिट क्लोज हुआ है 75.0545 पे इसका मेरिट क्लोज हुआ। एविसिना मेडिकल कॉलेज 150 इसके पास सीट्स है, ओपन सीट्स इतनी है, 110 स्टूडेंट ने स्टे किया, 1 अपग्रेड वेटिंग से आया, 38 अपग्रेड हो गया है 61.75% कंप्लीट 70% इसका मेरिट रहा है। एविसिना मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, इसमें 110 स्टूडेंट ने स्टे किया, एक स्टूडेंट अपग्रेड हो गया, इसका मेरिट 76 से कम हो गया, 75 पे आ चुका है। उसके बाद राशिद अलतीफ मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे 110 स्टूडेंट ने स्टे किया, 1 स्टूडेंट वेटिंग से आया और 74 स्टूडेंट अपग्रेड हो गया है, उसका रैंकिंग रहा है 4.6187 से और इसका एग्रीगेट 74.9682 पे आके क्लोज हो चुका है। इस्लाम मेडिकल कॉलेज में से 128 स्टूडेंट ने स्टे किया, 4 वेटिंग से आए, 18 अपग्रेड हो के आए और 63.15 से इसके स्टूडेंट्स इसका टोटल एग्रीगेट पर है 7465000। एम स्लाम मेडिकल कॉलेज इसका 122 स्टूडेंट ने स्टे किया, 5 वेटिंग से आएंगे और 21 अपग्रेड हो गए हैं, इसका क्लोजिंग मेरिट है 74.11955। उसके बाद एम स्लाम मेडिकल कॉलेज इसके अंदर टोटल एम स्लाम में 128 ने स्टे किया, 4 वेटिंग से आए और 18 क्या हो गया, हाँ एम स्लाम 21 आए, इसका मेरिट हमने बता दिया था। अच्छा अब हमारे पास आ जाता है ये दो मेडिकल कॉलेज का, आप देख लें मुझे कन्फ्यूजन हो गई है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज इसका 102 स्टूडेंट ने स्टे किया, 150 में से 4 स्टूडेंट दरवाज़ा लॉक, 44 स्टूडेंट अपग्रेड हो गया है 66.15 इसका क्लोजिंग रैंक और 73.9727 पे इसका मेरिट क्लोज। पार्क रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज में 82 स्टूडेंट ने स्टे किया, जिसमें 8 स्टूडेंट वेटिंग से हैं, 10 अपग्रेड हो गए हैं और टोटल एग्रीगेट है 72.9682 पे यहाँ पे आके इसका मेरिट क्लोज हो गया। अब मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज की इतनी फीस है, 44 बच्चों ने स्टे किए 100 में से और अपग्रेड 23 अपग्रेडिंग, ये लोग इसी वजह से यहाँ पे इसका ये नंबर ग्रेट हुआ, क्योंकि ये अपग्रेडिंग इन्होंने गलती से मेरिट लो होने की वजह से ये दिया था, जहाँ पे इसका टोटल 72.7373% आया है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज 34 लोगों ने, वही फीस बहुत ज़्यादा है और मेरे इस वजह से बच्चे इसमें कम स्टे 27 और जहाँ से हमारे पास अपग्रेड हो गए 39 अपग्रेड हो गए 22.6045। उसके बाद बख्तावर मेडिकल कॉलेज इसका मेरिट रहा है 72.209 और अजरा नहीं मेडिकल कॉलेज 13 तो मैं बताऊँगा 3972 स्टूडेंट ने स्टे किया, जिसके अंदर हमारे पास इसका क्लोजिंग रैंक ये गलत लिखा गया है 74 इसका टोटली जो रैंक रहा है वो 71.7727 पे इसका क्लोजिंग रहा है। उसके बाद अव्वा मेडिकल कॉलेज का 71.6545 पे क्लोज हो चुका है। और सहारा मेडिकल कॉलेज को देख लेते हैं, सहारा मेडिकल कॉलेज का मेरिट रहा है 71.168 पे क्लोज हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जिसका मेरिट हमारे पास क्लोज हुआ है 71.4818 पे। और उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड द डेंटल फैसलाबाद का मेरिट हमारे पास क्लोज हुआ है 71.2227 पे। इस पे जो स्टूडेंट ने स्टे किया है
वो टोटल स्टूडेंट 102 ने स्टे किया है, पर आप ग्रेडेशन देख लीजिएगा जो लास्ट पे। अब सहारा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, 71.1682 पे इसका मेरिट आया है। उसके बाद राया मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, 71.1591 पे आके क्लोज हो चुके हैं। सबसे एंड पे है शायदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर अभी तक स्टिल 150 सीट है, 92 स्टूडेंट ने स्टे किया, जिसमें 40 स्टूडेंट अपग्रेड हो गया, 16 स्टूडेंट हमारे पास वेटिंग से 42 आए हैं, अपग्रेडिंग से 116 आए हैं, और जिसका मेरिट क्लोज हुआ है 715 से। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट आने वाला मेरिट कहाँ पे क्लोज हो सकता है। जो क्लोजिंग नेक्स्ट मेरिट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 70.889 यहाँ पर तकरीबन, इससे आगे काउंट कर लें वो यहाँ तक हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक यहाँ तक इसका मेरिट ड्रॉप हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ये बहुत गलत बात है। मैं सबको इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई कर रहा हूँ, हर इंसान को समझा रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।